चलिए देखिए, अब बारी बारी से आपको भाई याद करके अभी आना है और बताना भी है। याद करके हमारी बातों को समझिए, बताइए। परमाणुकता किसे कहते हैं भाई? यानी कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अरे भाई, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता के आधार पर है भाई, इसे कई भागों में बांटा गया है। एक परमाणु कण, द्वि परमाणु कण। एक परमाणु कण में जैसे देखिए हीलियम यची एक ही नहीं है, एक परमाणु कण। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ये सब क्या है? एक परमाणु कण है। और द्वि भाई एक परमाणु कण, यानी कि एक परमाणु कण है। अब द्वि परमाणु कण, द्वि परमाणु कण में जिसमें दो परमाणु हो, जैसे ओ टू, सी एल टू, न भाई एन टू, क्या आई टू, एक जने बोल रहे हैं एल टू, आई टू, न तमाम तमाम उदाहरण एक कैसन है, द्वि परमाणु कण है। त्रि परमाणु कण, ओ थ्री, ओजोन की परत, ओजोन का सूत्र है, ओजोन यह हम सबकी सुरक्षा करती है। ओजोन, ओजोन हम सबकी माता पिता से बढ़कर ओजोन की परत है आपके लिए, हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए। ओजोन भाई, ओजोन जो सूर्य भगवान से खतरनाक किरणें निकलती हैं उनको एब्जॉर्ब यानी कि पकड़ लेती है, उन किरणों को पकड़ लेती है। कौन? ओजोन। ओजोन उन खतरनाक किरणों को पकड़ लेती है, नहीं तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर धीरे धीरे लोग तमाम रोगी भी यानी कि चर्म रोगी बन जाते यहाँ से, खतर यानी कि लाइलाज ला भाई बीमारी, जैसे कैंसर होता है चमड़ा चर्म रोगी, यानी कि चमड़ा पर उसका दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ता, यह एक जैसे कोहरा पड़ता है, एक लेयर बन जाता है, वैसे भाई यह ऊपर वायुमंडल में उसकी इनकी एक परत है, ओथ्री का, ओथ्री की एक परत है, यह हम सबकी रक्षा करती है। जैसे ठंडी में कंबल आप ओढ़ लेते हैं, ठंडी से रक्षा होती है ना भाई, वैसे यह धरती को घेरा हुआ है। कौन? ओजोन। अब धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सुराग हो रहा है, जब सुराग हो जाएगा तब खतरनाक किरणें जो सूर्य भगवान से भाई तमाम पराबैंगनी किरणें, रक्त किरणें, तमाम किरणें हैं भाई, एक किरणें निकलेंगी और वहाँ से एक भाई जब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा धरती पर वो किरणें आएंगी, और जैसे रक्त किरणें आ गया, रक्त किरणों के कारण यह मौसम गर्म हो रहा है, मौसम गर्म हो रहा है, तमाम किरणों को तो अवशोषित कर लेता है। कौन? ओ थ्री। जौन बच भाई छन बिन के बच के आ जाते हैं, वो खतरा पैदा कर दे भाई, कर दे रहे हैं, इन्हीं के कारण मौसम गर्म हो रहा है। अब धीरे धीरे वो जोन की परत जब नष्ट हो जाएगी तो मौसम कितना लाल पियर हो जाएगा, पहले सोचिए, और तमाम खतरनाक किरणें आएंगी आपके चेहरे पर पड़ेंगी, आपके चेहरा पर भाई आपके चेहरा को झांस कर खराब कर देंगी। बोले भाई, कोई क्रीम कोई पाउडर काम नहीं करेगा भाई, ओजोन आपका माता पिता है। इधर धरती पर माता पिता अलग अलग, लेकिन ओजोन माता पिता एक ही में। सोचिए, ओजोन की सम्मान करनी चाहिए, इसीलिए सरकार सब जितना प्रदूषण वाली गाड़ी है धीरे धीरे बंद कर रहा है, ये सब प्लास्टिक वगैरह तमाम चीज़ ना भाई, चिमनी वगैरह का धुआं, गाड़ी मोटर से जो धुआं निकलता है, ये सब इन्हीं को नष्ट करता है। किसको? ओजोन को। कुल मिला के यह त्रि परमाणु कण है, त्रि परमाणु का अणु है यह है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं
जैसे H2O है, हाइड्रोजन के दुई परमाणु बा, ऑक्सीजन के एक परमाणु, यह त्रिपरमाणु। और उदाहरण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन के एक परमाणु, ऑक्सीजन का दुई परमाणु, ऐसे ही है। चतुष्परमाणु, चतुष्परमाणु का मतलब जौने में चार परमाणु रहा है, जैसे P4H2O2 एक हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस आई, ऐसा ही बहुपरमाणु कण जौने में चार से अधिक हो बहुपरमाणु अणु कहते हैं। कहने का मतलब एक परमाणु, द्वि परमाणु, त्रि परमाणु का और चतुष परमाणु, बहुपरमाणु का आपने जाना। परमाणुकता क्या है, हमने बताया किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाता है। अरे भाई, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अब भाई परमाणु, भाई परमाणुकता के आधार पर भाई बांटा गया है, एक परमाणु कण, द्वि परमाणु कण, तीन परमाणु कण। अब हम पूछेंगे आपसे परमाणुकता किसे कहते हैं, और जो उदाहरण पूछेंगे आपको बताना है, इसीलिए हम मिटा रहे हैं जिसे आप भाई बिना देखे बताएं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। एक परमाणु कण का हमने भाई एक परमाणु कण का सूत्र हमने बताया, द्वि परमाणु, त्रि परमाणु का और चतुष परमाणु, बल्कि बहु परमाणु भी। चलिए चले आइए, जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर साहस है, जिसके अंदर जो नहीं कोई है। धरती वीरों से खाली हो गई क्या भाई? बोले भाई धरती वीरों से खाली। यह बात स्वयंवर में जब माता सीता का स्वयंवर भाई के राजा जनक, राजा जनक जब माता सीता का स्वयंवर रचिन, कैसे रचिन? एक बार माता सीता भाई तमाम गाथा में तमाम प्रकार से कहा गया बा। कुछ लोग कहें कि झाड़ू पोछा लगावत रहें के माता सीता बाएं हाथ से धनुष उठाए के दाएं हाथे पोछा लगावत रहें, भाई तमाम गाथा में गावा गावा कहा गावा। कुछ लोग बताएं एक बार माता सीता खेलत रहें, गदेला रहें इन्हें सब की दैया, और खेलत खेलत जोन ओढ़नी रहा था वो ओढ़नी धनुष में बच गया, धनुष में बच गया और मजे के दूरिया लो भाई घिर्राते ही चला गया, घसीटते हुए धनुष चला गया। वो धनुष जैसे यहाँ से वहाँ तक चला, खेलत रहें लड़कियाँ रहें, और ओकरे बाद धनुष उठाए के लैया फिर रख दिन माता सीता। वो दुई गाथा दुई बात सुने में आवा था, दोनों बात बतावा हम, और ये बात के देखेस उनकर बाप राजा जनक देखें, कहें कि जेके धनुष के भाई दस दस लोग, दस दस हजार लोग कहा थे, जैसे बढ़ाए चढ़ाए के लोग बोल देते हैं ना भाई, तैसे ही कि जैसे भाई जिस धनुष को भाई दस दस लोग, दस हजार लोग, बीस हजार लोग उठा नहीं सकते हैं, इतनी शक्ति है वो भोलेनाथ की धनुष है भाई, कोई उठा नहीं सकता है उस धनुष को। मेरी बेटी खेल रही थी उसके भाई यह उड़नी में यह बचा, घसीटते वहां तक गया, और वह मेरी बेटी एक भाई वह धनुष उठा कर रख दिया भाई, या एक हाथे से उठाया अगले हाथ से पोछा लगा रही है, हमारी बेटी के अंदर इतनी शक्ति है। यह दृश्य किसने देखा? राजा जनक ने देखा, उसी लिए संकल्प ले लिए कि हम उसी से अपनी बेटी का ब्याह कराएंगे जो इस धनुष को पर प्रतंचा चढ़ाएगा। तोड़ने की बात नहीं, प्रतंचा चढ़ाने की, प्रतंचा का मतलब डोरी चढ़ाने की बात। तब स्वयंवर रची कहानी आप जानते हैं, उसके बाद शॉर्टकट में बना बनाने भाई बना बनाए, आप लड्डू खाते हैं तो खाइए, तब क्या हुआ लास्ट में स्वयंवर रच गया। स्वयंवर रचने के बाद न भाई तमाम वीर पुरुष आए, आप सब जानते हैं, जिसमें भाई रावण भी आया था, रावण भी आया था जिसे भाई त्रिलोकी ना भाई त्रिलोकी राजा बोला जाता है कि भाई विश्व विजेता बोला जाता है, रावण अपने आप को मानता था, वो भी आया और भाई इसमें भाग लिया, तमाम लोग आए लेकिन धनुष को टस मस भी
नहीं कर सके। तमाम राजा आए और उसमें आपके श्री प्रभु श्री राम भी थे। उन्हें वो बिना न भाई, उन्हें उनके गुरु लेकर आए थे। इनको गुरु का क्या नाम था? विश्वामित्र नाम था। विश्वामित्र की सेवा करने के लिए गए थे। वहीं से दोनों को, राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र लेकर चले आए। जब युद्ध भाई वहाँ धनुष को कोई नहीं उठा पाए, तब राजा जनक रोने लगे। अरे भाई क्यों ना रोए, क्यों ना, उनकी बेटा ब्याह है, शादी है, नहीं टूटेगा तो उनकी लड़की का शादी नहीं होगा, होगा भाई, भाई प्रतिज्ञा ऐसा रख लिए थे। तब रोने लगे, रोते हुए वर्डों में कहा कि अगर मैं भाई, वो तो अपनी बेटी का बहादुर दे भाई, बहादुर देख कर यह दृढ़ संकल्प लिए थे कि जो भाई इस पर प्रत्यंचा, जब हमारी बेटी ये खाते से उठा सकती है, तमाम लोग इसे हिला भी नहीं पा रहे हैं भाई, तमाम लोग हिला भी नहीं पा रहे हैं। तब यही देखकर भाई वो रोने लगे कि धनुष में क्या है भाई, हमारी बेटी के अंदर भाई जितना शक्ति था, हमारी बेटी ने एक हाथे से उठाया, अगले हाथ से पोछा लगाई, और यहाँ पर ये इससे बढ़कर ये कि योद्धा उस धनुष को भाई उठाने के बाद दूर हिला भी नहीं सके भाई। तब भाई रोने लगे, कहा कि भाई अगर मैं भाई ऐसे, राजा आप सब की तरह बैठे हुए थे, राजा जनक जैसे हम भाई, मान लीजिए कि हम हैं, राजा जनक रोने लगे, अगर हम भाई जाने होते कि यहाँ पर आप सब कायर हैं, क्या हैं, कायर हैं, आप सब कायर हैं, आप सब वीर पुरुष नहीं हैं, कोई योद्धा नहीं है, तो हम अपनी बेटी के लिए दृढ़ संकल्प यह नहीं लेते, लगता है कि मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। यह सब कह के वो नहूं रोवे लगे। उनका धर्म पत्नी का नाम रहा, धर्म पत्नी का भाई सुजैना, ऐसे नाम था शायद, कुछ सुनैना क्या नाम था। उसके बाद भाई रोने लगे, रोते हुए आवाजों में अपनी बातों को कहा। तब भाई कहा कि अगर हम जाने होते कायर भाई, आप सब कायर हैं, तो यह भाई कायरों की आप सब यहाँ भीड़ मचाए हुए हैं, तब हम ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं लेते। वहीं भीड़ में कौन थे? राम और लक्ष्मण। एक बार सुने लक्ष्मण, दूसरी बार सुने, तीसरी बार जब बोले, तब कहें कि रुक जा भाई, रुक जाइए राजा जनक। लोग ऐसे तमाम लोग बैठे थे भाई, लक्ष्मण वहां पर खड़ा हो जाते हैं कहते हैं कि, खड़े होकर कहते हैं कि रुक जाइए राजा जनक, एक को शब्द अगर आप अगर निकालोगे तो ठीक नहीं होगा। अगर जिसमें अगर रघुवंशी का एक भी वीर पुरुष हो, अगर आप चैलेंज देंगे तो भाई अच्छी बात नहीं है। ऐसा धनुष तो हम भाई जब बाप की भाई बहुत बच्चे थे, छोटे छोटे भाई हम भाई ये तो बड़े, अब तो बड़े हो गए, जब उस समय बच्चे थे तब हम बहुत धनुष तोड़े थे। आप केवल तो एक धनुष की बात करते हो। किसने कहा? लक्ष्मण ने। और चचक के कहा किसको? राजा को, राजा जनक को। तब विश्वामित्र संकेत देते हैं किसको? राम को। राम उन्हें मना कीजिए। तब राम कहें कि लक्ष्मण शांत हो जाइए, बैठिए अभी आवश्यकता नहीं है। तब भाई विश्वामित्र आदेश देते हैं किसे? राम को। राम भाई उस धनुष को तोड़ते हैं, माता सीता से ब्याह करते हैं। उसके आगे की कहानी आप जानते हैं ना भाई, धनुष यज्ञ बहुत देखे होंगे। ऐसे आपका सवाल है, किस बात पर उठा था कहानी है? हाँ, वीरों की बात उठी थी, धरती वीरों से खाली होने की बात उठी थी, इस समय खाली हो गई। एक है, आइए भाई आइए, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। जब हम कहानी बताए राजा जनक की, माता सीता की, एक महोदय जी उस कहानी की बात से अपने आप को जगाया कि हम बताएंगे। लीजिए भाई, पहले आप परिभाषा बताइए। किसी अर्थ में
हाँ अणु के संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु संख्या के अणु अणु को परमाणु संख्या कहते हैं। बताइए आराम से, हड़बड़ाने की कोई दरकरार नहीं है, न जरूरत है। किसी अणु में संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु संख्या के अणु को उस अणु को परमाणुता कहते हैं। और कई लोग बता सकते हैं भाई? अरे क्या है याद करने में, कक्षा अगली कक्षा में इसके पहले आपके जो बैच आई थी बराबर मुकाबला होता है, आप देखते हैं। बिटिया बता सकते हैं परिभाषा? परिभाषा खड़े हो जाइए, परिभाषित कीजिए, खड़े हो जाइए। केवल परिभाषा वॉइस बताइए, बताइए। अगर हिम्मत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं भाई, कहानी से जागे। क्या नाम है भाई? अविनाश। अविनाश जी बताइए। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। मार्कर लिए भाई, चलिए बनाइए उदाहरण, बताइए एक आप चतुष परमाणु कणु का है, चतुष परमाणु अणु की आप उदाहरण दीजिए। नहीं, केवल सूत्र लिखिए, चतुष परमाणु कणु का दो सूत्र लिखना है आपको, दो सूत्र। चतुष परमाणु मेथिल नहीं, इस पर होगा तो प्लस हो जाता है, आगे बताया जाएगा। चतुष परमाणु चार भाई, चतुष परमाणु के दो उदाहरण। अब जो आएंगे चतुष परमाणु के चार तीन उदाहरण लेकर, जिनके अंदर क्षमता हो चतुष परमाणु का तीन उदाहरण वो बताएंगे। देखिए अस्त्र शस्त्र सब तोड़ दे रहे हैं भाई। क्या कर दिए भाई, बहुत बढ़िया रहे हैं भाई आप। लीजिए चतुष परमाणु के एक उदाहरण और भाई, एक उदाहरण और लिख दीजिए आप। अगर कोई शेर है चतुष परमाणु का एक उदाहरण और। अरे भाई आप धराशाही हो रहे हैं, दो ही उदाहरण, उधर से कई उदाहरण, तीन उदाहरण, सबका सब लोग उधर से। बिटिया आप आओ बताइए, आप खड़े हो जाइए। NH3 राइट जवाब, NH3 राइट जवाब। एक ठिनी नहीं नाइट्रोजन का परमाणु और तीन ठिनी हाइड्रोजन का परमाणु, एक चतुष परमाणु का भाई, चतुष परमाणु अणु बोला जाता है। अब तीन उदाहरण हुआ, चौथा उदाहरण कई लोग बता सकते हैं बैठे, चौथा उदाहरण इनका, चौथा उदाहरण, चौथा उदाहरण कोई खोजिए। जब सूत्र की याद रखे, याद करेंगे तब धीरे धीरे आप जानेंगे। चलिए अच्छा, अब हम पूछेंगे, बैठिए भाई, अब हम पूछेंगे कुछ उदाहरण को। अब यह सूत्र धीरे धीरे याद करेंगे तब बताएंगे आप ना भाई। अब जैसे हम बता रहे हैं, देखिए H2SO4 यह तेजाब का सूत्र है, यह कई परमाणु वाला है, बहु परमाणु के अंदर, और कई बहु परमाणु के अंदर, लेकिन कई के भाई कई परमाणु बोला जाएगा इसे। हाइड्रोजन का दो ठिनी, सल्फर का एक ठिनी,
ऑक्सीजन का चार ठिनी, चार एक पांच, पांच दो सात, मतलब यह है। देखा हाइड्रोजन का दो परमाणु है, सल्फर का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का चार परमाणु, तब बनाया है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे तेजाब का सूत्र कहते हैं। यह तेजाब है, किसी के चेहरे पर डाल दिया जाएगा तो चेहरा खराब हो जाता है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। लेकिन आप इनसे खतरनाक हैं क्यों भाई? यानी कि सब उदाहरण, एक परमाणु, द्वि परमाणु, त्रि परमाणु, चतुष परमाणु, बहु परमाणु, सब लोग बता सकते हैं। अब देखिए, बस इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप निश्चित रूप से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त।